दिवाली में बहुत से लोगों के घरों में चकली बनाई जाती है, लेकिन अगर ये चकली बिना बिगड़े पहले ही प्रयास में अगर परफेक्ट बन जाए तो और हमें क्या चाहिए। बिना बिगड़े से मेरा मतलब है, यहाँ देखिए ये है प्रॉब्लम नंबर एक। ये चकली के डिज़ाइन की तरफ गौर से देखिएगा, ये जो डिज़ाइन बनी है कांटे देखिए, मतलब ये जो है ना ये बारीक बारीक से ये झिकझैक लाइन्स जो होती हैं ये कांटे जिसको हम कहते हैं, ये प्लेन है, इसके ऊपर अच्छे कांटे बने नहीं, ये सिर्फ गोल गोल बन चुका है, थोड़ा सा प्लेन थोड़ा चिकना नज़र आ रहा है। तो आखिर ये दोनों चकली में इतना वेरिएशन आया क्यों? दो तो एक ही था, बट प्रॉब्लम क्या हो गई ये मैं आपको बताती हूँ। दूसरा प्रॉब्लम बहुत से लोगों को ये आता है कि चकली आप बनाते तो हो लेकिन जब आप उसे तलकर देखते हो तो वो सारी तेल में टूटकर बिखरने लगती है। ये चकली इतनी ज़्यादा बिखर गई थी कि मैं इसको मैनेज भी नहीं कर पाई, मैंने इसको टिश्यू पेपर पर निकाल के देखा तो ये बिल्कुल चूरा चूरा इसका हो चुका था। तीसरी प्रॉब्लम हम लोगों को ये आती है कि जब आप चकली, सिर्फ अभी ये कच्चा डो है जिसको मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसके परफेक्ट राउंड बन ही नहीं पा रहे, बार बार बीच बीच में चकली टूट टूट जा रही है, तो ये प्रॉब्लम भी आखिर क्यों आती है। चौथी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को ये फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ देखिए चकली जो है ये अपने अंदर इतना ज़्यादा ऑयल सोक क्यों कर लेती है, इतनी हैवी क्यों हो जाती है। चकली इतनी ऑयली खाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और एक प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि चकली बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों बनती है, इसका राज तलने की प्रोसेस पर है। जब हम चकली को तलेंगे तब ये बात मैं आपको डिटेल तरीके से समझा दूंगी। और एक आखिरी प्रॉब्लम ऐसी है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, लेकिन ये देखिए यहाँ ये जो चकली है इसके ऊपर इवन कलर नहीं है, कहीं थोड़ी डार्क ब्राउन है कहीं लाइट ब्राउन है, तो आखिर इस तरह से ये फ्राई हुई क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चकली पहले ही प्रयास में एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और अपने अंदर ज़्यादा ऑयल भी ना सोक करे, आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझ भी लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। पैन जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा हम पैन के अंदर डाल देते हैं 2 कप जितना पानी। पानी की मेज़रमेंट कप में ये 2 कप है और ml में ये पानी लगभग 500 ml जितना ये होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितनी अजवाइन। टीस्पून वाली मेजरमेंट आपके पास नहीं है तो नॉर्मल घर में नाश्ते वाला जो भी चम्मच हो वो आप 1 चम्मच जितना डाल सकते हैं। हाथों पर क्रश करके डाल रहे, स्वाद अच्छा आएगा। फिर इसमें जाएगा 3 चम्मच जितना सफ़ेद तिल, ये सफ़ेद तिल कच्चे ही है, मैंने इन्हें भुना वगैरह नहीं था। 3 चम्मच इसलिए डाल रही हूँ, अगर इससे ये ज़्यादा हो जाए तो तब भी चांसेस होते हैं कि चकली जब आप बनाते हो तब भी वो ब्रेक हो सकती हैं, लेकिन उसका और एक मुख्य कारण है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर ये तिल भी हम डाल चुके हैं। अगर आप इसमें और थोड़ा फ्लेवर चाहते हैं, जैसे तीखापन पसंद है, तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं लाल मिर्च की पाउडर जो मैंने 1 चम्मच जितनी यहाँ पर डाल दी। और कलर के लिए मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो है 1/2 चम्मच हल्दी हम इसमें डालेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको और थोड़ा फ्लेवर देना, जैसे कि धनिया और जीरा का पाउडर इसमें डाला जा सकता है, 1/2 चम्मच दोनों आप डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाले। अब यहाँ पर सबसे मेन इन्ग्रीडियंट है हमारा, इस चकली को क्रिस्पी बनाने का काम मोयन करता है, यानी कि घी या तेल जो भी आप यूज़ करना चाहते वो करेगा, लेकिन इसको बिल्कुल ही संभाल कर डालना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, घी की जगह तेल का इस्तेमाल किया जाता है, डालडा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये जो घी मैं डाल रही हूँ ये जमा हुआ है, ये पिघला हुआ नहीं है। अगर आप पिघला कर घी को इसमें डालते हैं तो मेज़रमेंट थोड़ी सी रॉन्ग हो जाएगी, हो सकता है फिर आपकी चकली थोड़ी हार्ड बने। तो यहाँ पर ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच जितना घी आपको इसमें डालना है। अगर आप लोगों के पास घी नहीं है या फिर आप तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आपका ख्याल है कि आप घी को मेल्ट करके ही डालेंगे, तो ऐसे में जो स्टील वाली छोटी चम्मच से मैंने जमा हुआ घी 2 चम्मच डाला, तो वही चम्मच यूज़ करके आपको 3 या 4 चम्मच आप घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं या फिर 3 या 4 चम्मच आपको तेल डालना होगा, जो भी आप डालें। यह मैं आपको इतना क्लियरली इसलिए समझा कर कह रही हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है चकली बनाने में, ये आपकी चकली को बिगाड़ सकता है या फिर अच्छा बना भी सकता है। मतलब कैसे, यहाँ देखिए दोस्तों, अगर ये घी या तेल जो भी आप डालें वो आपने अगर ज़रूरत से ज़रा सा भी ज़्यादा इसमें डाल दिया तो चकली अक्सर तलते वक्त तेल में पूरी बिखर जाती है, उसका चूरा होने लगता है। या फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि चकली ठीक है फ्राई हो तो जाएगी अच्छी, लेकिन वो अपने अंदर इतना ज़्यादा तेल सोक कर लेगी और एकदम हैवी हो जाएगी, एकदम ग्रीसी नज़र आएगी और कोई भी इसको खाना पसंद नहीं करेगा। तो ये 2 प्रॉब्लम किस वजह से आती हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आपको, जब आप किसी भी तरह की चकली बनाओ, आप चावल के आटे से बनाओ या फिर जो भी मेथड मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ उस मेथड से बनाओ, घी या तेल चकली में डालते वक्त बिल्कुल सावधानी से डालें। अगर ये कम पड़ जाए तो बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में कम ही डालें।
तो यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब ये पानी में जब इस तरह का बॉयल आ जाए तब सही समय है इसमें सूजी मिलाने का, लेकिन उससे पहले गैस की फ्लेम को लो कीजिए। और ये जो सूजी मैंने यूज़ की है ये आप देख सकते हैं, सबसे बारीक वाली सूजी मैंने यूज़ की है। आपके पास मोटी सूजी हो तो उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। सूजी अगर देखी जाए तो कप में 1 कप है, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप जितना पानी लिया था जो बॉयल हो चुका है। जब आप सूजी इस गर्म उबलते हुए पानी में डालेंगे तो एक बात का ख्याल रखेंगे कि गैस की फ्लेम को लो पर कर देना है। ये इसलिए क्योंकि जब तक आप इसमें सूजी मिलाएंगे और मिक्स करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सूजी अच्छे से मिक्स होने से पहले ही ये सारा पानी सूख जाए, तो इसलिए फ्लेम को लो पर रखिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करते वक्त अगर आपको सूजी का ये सफ़ेद भाग ऐसे कहीं कहीं अगर नज़र आ जाए तो स्पैचुला की हेल्प से इसको इस तरह से मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम लो ही रहेगी, लो फ्लेम के ऊपर इसे मिक्स होने में लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। ये मिक्स हो चुका है और मैंने अब गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ही गर्म पैन में छोड़ देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। तब तक हमें दूसरा काम करना है। इसको ढककर ऐसे ही बाजू में पड़े रहने दीजिए। मैंने यहाँ लिया है पोहा, ये वही पोहा है जो हम नॉर्मली पोहा नाश्ते में जो पोहा खाते हैं ये वही है। जो भी आपके घर में यूज़ होता होगा वो आप ले लेना। 2 कप पोहा आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि वज़न में हल्का होता है, अगर हम इसको पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे तो वो बिल्कुल ही थोड़ा सा होगा। तो हमें इस पोहा को थोड़ा थोड़ा करके ले के मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लेना है, जो मैंने ये कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, तो ये पाउडर बन चुका है, इसे हम एक बाउल में निकालते जाएंगे। ये मैंने निकाल लिया। जब तक मैंने इस पोहा का पाउडर बनाया मुझे 5 मिनट लगे और 5 मिनट तक ही वो सूजी को ढक्कन से ढक के रखा था। वो सूजी जो हमने मिक्स करके रखी थी पहले हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, हल्का थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून जितना बेसन, टेबलस्पून मतलब जो थोड़ी बड़ी चम्मच होती है वो, 3 टेबलस्पून बेसन मैंने इसमें डाल दिया, बेसन कच्चा ही था। अब ये सारी चीज़ों को आपको हाथ से दबाते हुए मिक्स करना है, थोड़ा जोर देते हुए, हल्के हाथों नहीं। तो अच्छा दबा दबा के आप इसको गूंथने की कोशिश कीजिए, पानी का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे। पहले तो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मिक्स हो चुका है। अब अगर लेकिन आपसे मिक्स हो ही ना पाए तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, जैसे कि 1 चम्मच 2 चम्मच, एकदम से आधा कप या 1 कप पानी में डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, 2-3 चम्मच 1-2 चम्मच इस तरह से, ठीक है। फिर से इसे गूंथने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट और समझने वाली बात, वो ऐसी कि यहाँ पर देखिए ये जो डो है, ये सूजी का या फिर चकली का जो डो हमने बनाया है ये कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं हाथ में उसका गोला बना के देखती हूँ तो काफ़ी ड्राई ड्राई सा आंखों से नज़र भी आता है, और अगर हाथों पर रोल कर देख रही हूँ तो बिल्कुल क्रैकी दरदरा सा, अच्छा नहीं बन पा रहा। तो लेकिन फिर भी अगर मैंने इसकी चकली बनाकर देख ली तो मैं जब चकली बना रही हूँ तो चकली बीच बीच में बार बार टूट जा रही है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हो, चकली चाहे आप किसी भी तरीके की चकली बनाइए, ऐसा कभी भी हो तो आपको यही बात समझ में लानी है कि जो डो आपने लगाया है चकली के लिए वो थोड़ा सा ड्राई है। तो आपको क्या करना होगा, जो डो आपने लगाया है उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाना होगा। थोड़ा सा मतलब एकदम से 1 कप या आधा कप नहीं, आपको पानी देख के संभालते हुए अंदाजे से डालना है। मतलब अगर मैं पानी का क्वांटिटी आपको बिल्कुल भी प्रॉपरली यहाँ नहीं बता सकती, डो अगर आपका बहुत ज़्यादा सूखा है तो हो सकता है आपको आधा कप पानी भी लग जाए, या अगर ये थोड़ा गीला है तो आपको 3-4 चम्मच पानी भी लगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 3 चम्मच पानी अभी फ़िलहाल डाला है। मैं इसको और एक बार मिक्स करती हूँ और फिर चेक करती हूँ। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली इस डो को कैसे चेक किया जाता है ये मेथड बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए, अब मैंने फिर से हाथ में इसका एक गोला बना के देखा तो अभी ये पहले से थोड़ा सा ठीक ठाक बन रहा है। ये देखिए अभी बहुत दरारे, एकदम से ड्राई ये नज़र नहीं आ रहा, अच्छा रोल इसका बन पा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको चकली मोल्ड में डाल के हम इसकी चकली बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया चकली बन रही है। जो ये कांटे नज़र आ रहे हैं ना, ये जो डिज़ाइन बनती है जिसको कांटे भी कहते हैं, तो ये जो कांटे नज़र आ रहे हैं ये बड़े अच्छे सुंदर से बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। ये देखिए मैंने कितनी बड़ी चकली हाथ में पकड़ के रखी लेकिन ये फिर भी नहीं टूट रही, बिल्कुल सही है। अभी ये जो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल सही थी। अब अगर दोस्तों ऐसा कभी हो कि ये डो आपने बिल्कुल सॉफ्ट लगा दिया, एकदम रोटी की तरह एकदम सॉफ्ट है, और आपने इसकी चकली बना के देखी जिसको ना बहुत हल्के हल्के सी डिज़ाइन बन रही है, हल्के हल्के अच्छे से उभर कर वो डिज़ाइन नज़र नहीं आ रही, तब आपको ये समझना होगा कि आपने डो को थोड़ा सा ढीला कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा चावल का आटा हो तो इसमें मिला दीजिएगा तो डो ठीक हो जाएगा और आपकी चकली में डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बन कर के आएगी।
जब आप चकली बना लो तो चकली के दोनों एंड्स को आपको अच्छे से चिपका देना है। आप देख सकते हो मैंने चिपका दिया है ताकि ये तेल में खुले नहीं। अब चकली तलने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें आप देखिए मैंने तेल को अच्छा गर्म कर लिया, मतलब कैसा, ये डो जैसे मैंने इसमें डाला झट से तेल में बबल आने लग गए। तेल को आपको अच्छा गर्म कर लेना है, जैसे कि आप पूरी तलने के लिए तेल गर्म करते वैसा। और जब एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पर सेट करना है, एकदम लो नहीं, ठीक है। और फिर हम एक एक करते हुए इसमें चकली डालेंगे। अगर आपको ऐसे हाथ से डालने में डर लगता है तो झारे पर लीजिए और झारे से फिर इसके अंदर चकली डालिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि चकली एकदम हार्ड बनती क्यों है। अगर आपने एकदम ठंडे तेल में चकली डाल दी, तेल भी आराम से गर्म हो रहा है, चकली आराम से आप तल रहे हो, लो फ्लेम करके रखी है, सारा काम एकदम आराम से चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, चकली धीरे धीरे तलते तलते हार्ड होने लग जाती है। चकली तलते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। जब तेल एक बार अच्छा गर्म हो जाए तो आपको फ्लेम को मीडियम पर रखना है, ना लो ना हाई। चकली को आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलना है। चकली को तलने में समय लगता है। अगर आपको ऐसा कभी लगे कि चकली एकदम डार्क ब्राउन कलर में हो रही है, तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो ऐसे में आप फ्लेम को थोड़ा सा लो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन चकली को तेल में से निकालने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे चम्मच से अगर हल्का दबा के देखते हैं तो ये थोड़ा हार्ड लगता है, इसका मतलब ये अभी हो चुकी है पूरी तरह से। और जैसे ही चकली ठंडी हो जाती है तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। आप टेम्परेचर का ध्यान रखिए, तो प्रॉपर मेथड से अगर करेंगे तो चकली ज़रूर क्रिस्पी बनेगी। और अब रही दूसरी बात, आपने देखा कि चकली तलने के लिए मैंने पैन का इस्तेमाल किया, ये इसलिए क्योंकि पैन में एक बार में 4 से 5 चकली आराम से तली जा सकती है। और पैन में जो मैंने तेल की लेवल रखी थी वो लगभग 1/2 इंच से ऊपर ये मैंने तेल रखा था, ये इसलिए क्योंकि अगर आपने बहुत कम तेल में ये फ्राइंग चकली की अगर आपने करने की कोशिश की तो चकली को इवन कलर नहीं आता, वो कहीं से डार्क ब्राउन कहीं से लाइट ब्राउन ऐसी फ्राई होगी। तो अब मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जो भी मुझे पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।